गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू हमारा रीजन चल रहा है यूनिट नंबर सिक्स टेस्ट एंड मेजरमेंट ठीक है बेटा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमने आपको कल करा दिए थे आज हम शॉर्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेजरमेंट मेजरमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है ठीक है क्लास इलेवंथ की बुक में ये आंसर मिलेगा आपको टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड इन्वॉलेशन ठीक है आंसर है आंसर आपको क्लास इलेवेंथ की बुक में मिलेगा मेजरमेंट के जो इम्पोर्टेंस होती है टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड इन्वॉलेशन की जो मेजर uh, होती है वो आपको बताने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफ रॉक टेस्ट वन मिल टेस्ट वन मिल टेस्ट ठीक है वन मिल टेस्ट या रॉक टेस्ट आंसर है पेज नंबर वन ट्वेंटी रॉक पोस्ट मॉन टेस्ट इज ए कंपलसरी नाउ ऑफ द रॉक पोस्ट फिटनेस वॉकिंग टेस्ट ए प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट ऑफ चेक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजल मैक्म वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की मैक्मम वॉल्यूम के लिए हो जाता है इक्विपमेंट रिक्वायर रिक्वायरमेंट क्या होती है फोर हंड्रेड ट्रैकमीटर होता है स्टॉप वॉच uh, होती है और वेटिंग मशीन होती है ठीक है प्रोसीजर प्रोसीजर ये होता है कि पहले वॉक करनी है वॉक करने के बाद उसका डिस्टेंस कितना कर किया कितने की कि देर में कर रहा है टाइमिंग मिनिमम डिस्टेंस विद टाइमिंग ठीक है रेडी सेट गो जो होता है और उसके बाद उसको स्टॉक वॉल्यूम ऑक्सीजन वॉल्यूम चेक की जाती है स्टॉक वॉल्यूम चेक कर कैलकुलेशन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फार्मूलाज है फार्मूलाज के अकॉर्डिंग होते है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये टोटल इसके अंदर आ जाएंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द टेस्ट थीम ऑफ द खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट यानी कि जो हमने वे शॉर्ट क्वेश्चन में कराया था खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट में सेवन थीम्स होती है सेवन थीम्स के बारे में फिफ्टी मीटर स्प्रिंट होती है प्रोसीजर क्या है स्प्रिंट का सेकेंड थीम्स होती है सिक्स हंड्रेड मीटर वॉक सिक्स हंड्रेड मीटर वॉक क्या है सिटअप सिटप होती है पुल अप पुल अप कैसे की जाती है ठीक है स्टैंडिंग ब्रोड जम्प और शटल रन टोटल ये आपका फील्ड वर्क भी है और थोरिकल वर्क भी है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ कैन हाउ स्पीड कैन बी टेस्टिंग यानी कि स्पीड को किस प्रकार से टेस्ट किया जाता है स्पीड टेस्ट करने के लिए 50 मीटर स्प्रिंट होती है प्रोसीजर प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द एग्रेशन ऑफ द स्पीड इक्विपमेंट 400 मीटर का ट्रैक होता है स्टेप वॉच होती है कौन होते हैं और uh, जो टाइमिंग होती है टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये देखना होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैक्सिबिलिटी चेक करने के लिए फ्लैक्सिबिलिटी चेक करने के सिट एंड रेस्ट टेस्ट फ्लैक्सिबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट होता है सिट एंड रेस्ट टेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस कैन बी टेस्टिंग एक्सप्लेन ब्री या फिर हाउ बोर्ड हावर्ड स्टेप टेस्ट हावर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में बताना है या एक्सप्लेन द हावड स्टेप टेस्ट हावड स्टेप टेस्ट एक्सप्लेन करना है ठीक है हावर्ड स्टेप टेस्ट किसके लिए किया जाता है कार्डिगल वस्कुलर इंट्रेंस के लिए जाता है आंसर uh, है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का आपको मिलेगा बेटा पेज नंबर पेज नंबर 190 नाइन्टी एक सौ उन्नीस पर इसका आंसर मिलेगा कार्डिगल वस्कुलर फिटनेस ये टोटल आपको कंप्लीट करना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जिगजैक रनिंग जिगजैक रनिंग का टॉपिक आपका आ जाएगा बेटा जिगजैक रनिंग का आपका कैंसिल किया गया सीनियर सिटीजन के लिए होता है ठीक है बोरो टेस्ट बोरो टेस्ट सीनियर सिटीजन के लिए होता है एट फिट एंड गो एबिलिटी टेस्ट ठीक है आंसर है एट फिट एंड गो एबिलिटी टेस्ट पेज नंबर 127, mm -hmm. ठीक है बेटा प्रोसीजर mm -hmm. है द टेस्ट कंडीशन ऑफ द चेक बैलेंस स्पीड एबिलिटी ऑफ द मूविंग ऑफ सीनियर सिटीजन सीनियर सिटीजन के किस प्रकार से चेक किया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वी कैन कंसीडर चेयर सीट एंड रेस्ट टेस्ट फॉर द सीनियर सिटीजन सीनियर सिटीजन के लिए चेयर सीट एंड रेस्ट टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है ठीक है बेटा ये आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर वन ट्वेंटी सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ब्रीफली नोट्स ऑफ जनरल मोटर फिटनेस जनरल मोटर फिटनेस कौन सी होती है जनरल मोटर फिटनेस आंसर है पेज नंबर वन फिफ्टीन मोटर फिटनेस एबिलिटी बैलेंस कोऑर्डिनेशन पावर स्पीड एंड रिएक्शन टाइम रिएक्शन टाइम क्या हमारा रिएक्शन टाइम है ठीक है या पेज नंबर आपको 115 पर है ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट हो गया है थैंक यू टुडे दैट्स ऑल